एक्सेस स्ट्रेटजीज जो हैं, व्हाट दे डू दे डिस्क्राइब टेक्निक्स फॉर एबस्ट्रैक्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा इन योर डेटा स्टोर कैसे आपने अपने डेटा से या जहाँ पर भी आपने डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, जिस शेप एंड फॉर्म में भी किया हुआ है उसको आपने कैसे एक्सेस करना है वट आर दो स्ट्रेटजीज एंड दिस इंक्लूड्स के आपके डेटा एंटिटी का डिजाइन आपने कैसे किया यानी कि सारी स्ट्रेटजीज़ में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि आपने आपने रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया है आपने नो एस्क्यूल यूज़ किया है या आपने और कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर ली है कि आपकी डेटा एंटिटी का डिज़ाइन क्या है जाहिर है कि उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कैसे आप उसको एक्सेस कर रहे हैं जो चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं और गलती कर जाते हैं वो ये है कि एरर मैनेजमेंट कैसे होगी ठीक है जी ये स्ट्रेटजी क्या है कि अगर एरर होती है तो हाउ डू यू मैनेज दोज एरर और एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डेटाबेस के कनेक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है अब मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस कनेक्शन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न uh, है सो so, हम इससे पहले शुरू करते हैं कि हाउ टू मैनेज डेटाबेस कनेक्शन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटाबेस में जो सबसे ज़्यादा एक लिहाज से टाइम कंज्यूमिंग कह लें ऑपरेशन होते हैं, हैं शुरू में वो ये है कि डेटाबेस से एंड यूज़र या क्लाइंट का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और फिर जब वो कनेक्शन ख़त्म होता है तो फिर उसको छोड़ के अप करना ये काफ़ी रिलेटिवली स्पीकिंग बड़े एक्सपेंसिव ऑपरेशन हैं कोई बहुत हैवी किस्म की क्वेरी आ जाए तो एक और बात है लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत टाइम कंज्यूम करती हैं किसी भी क्वेरी से ये ज़्यादा यू नो बीसों गुना ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है कि कनेक्शन आपने कैसे इस्टेब्लिश किया अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अब आजकल के एनवायरनमेंट में देर आर थाउजेंड्स ऑफ़ यूज़र्स जो आपके डेटाबेस में लगे हुए हैं ठीक है जी आई मीन यू जस्ट इमेजन कि अगर आप हम ये कहते हैं कनेक्शन का इस्टेब्लिश करना उसको ब्रेक करना जो है ये आ, बड़ा टाइम और बहुत ये इसमें रिसोर्स हंगरी और टाइम कंज्यूमिंग है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैवी ऑपरेशन है तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जी मैं क्लाइंट आया तो उसका एक कनेक्शन बना लिया अब जब तक वो क्लाइंट मौजूद है मैं उसको कनेक्शन को आ, अपने पास वो क्लाइंट जो है वो मेंटेन करके रखेगा जब उसने काम अपना ख़त्म कर लिया तो छोड़ देगा ताकि बार बार उसको कनेक्शन ना बनाना पड़े अब जब हज़ारों यूज़र्स हैं तो फिर इतने कनेक्शंस बन नहीं सकते हर कनेक्शन की एक कॉस्ट है उसमें रिसोर्सेज चाहिए उसमें मेमोरी चाहिए उसके टिपिकली अ फ्यू केज पर कनेक्शन सो बहुत जल्दी आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर इसका क्या सलूशन है इसके लिए कनेक्शन पुलिंग की जाती है कनेक्शन पुलिंग क्या है कि आप कुछ कनेक्शन आपने बना के रख लिए हैं और अब जब भी आता है तो उसको जो खाली कनेक्शन होता है वो आप उस पूल में से उसको पकड़ा देते हैं वो उसको यूज़ करके अपना आ, काम पूरा करता है और फिर वो छोड़ के चला जाता है तो पूल इज़ देयर सो वो आपको बार बार कनेक्शन को मेंटेन बार बार उसे नया कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती डेटा के साथ और उसको क्लीन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कनेक्शन पुलिंग करते हैं हाउ टू मैनेज डेटा कनेक्शन हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन बार बार इस चीज़ का जिक्र आएगा कहीं पर एरर आ गई तो फिर इसको कैसे आप मैनेज करेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में आ, कैसे करेंगे आप डेटा एक्सेस कैसे है इसमें कनेक्शन पूलिंग भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अदरवाइज आपने इंडेक्सिंग कैसे की है एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस कैसे है आपने डिज़ाइन कैसे करना है ये आपको सारे सवालों को आपको इसको जवाब दें हाउ टू मैनेज ओवरऑल मैनेजबिलिटी क्या है डेटा इतना बड़ा हो जाता है इसको मैनेज करना वो अपनी जगह एक कंसर्न होता है आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ब्लॉब्स को कैसे आप रखना है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के अंदर रखने हैं बाहर रखने हैं डेटाबेस के अंदर रखने के एक कॉस्ट है डेटाबेस के बाहर रखने का है, एक दूसरा वो प्रॉब्लम्स आते हैं कौन सी चीज़ आपको किस जगह पे कैसे शूट करेगी ये आजकल क्योंकि इमेजेस आते हैं फाइल्स हैं और ये किस तरीके से किस जगह पे आपने इनको मेंटेन करना है कैसे रखना है हाउ टू पेज रेकर्ड्स किस तरीके से आपने पुल अप करके जो है दिखाने हैं क्लाइंट पे आपके पास दस हजार रेकर्ड्स आ गए हैं तो पेज बाय पेज आपने उसे कैसे एक पेज के बाद दूसरे करने हैं सारा का सारा डेटा आप ले आते हैं तो उसके परफॉर्मेंस के हेट्स हैं वो उसके रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं तो किस तरीके से आपने इसको पेज वाइज आपने डिवाइड कैसे करना और ट्रांजेक्शन्स को कैसे परफॉर्म करना है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट इज अ बिग कंसर्न एज फार एज द डेटा बेस एंड डेटा एक्सेस कंसर्न सो ये सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों के बारे में सोचिए जब आप डिज़ाइन करते हैं और एक एक चीज़ का आपके पास जॉब होना चाहिए हो सकता है कोई चीज़ें इस पर रेलिवेंट हो कोई चीज़ें ना रेलिवेंट हो सब चीज़ों में ऐसे ही है लेकिन कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है